रीवा में कहीं अतिक्रमण रहता है, ठेला लगता है, गोमती लगती है, उसको तोड़वाने के लिए नगर निगम के पास जा समय रहता है। नगर निगम के पास एक बार नहीं 20 बार जाके हाथ गोड़ जोड़ लिए, शिकायत किए, लिखित में शिकायत दिए, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रीवा नगर निगम का खन्ना चौराहा लंबे समय से मछली बाजार के लिए जाना जाता था, जहां खरीदारों की खासा भीड़ एकत्र होती थी और आवागमन बाधित होता था। नगर निगम के द्वारा उक्त मछली बाजार को कनोडिया पेट्रोल पंप सिविल लाइन के पास शिफ्ट कर दिया गया, जहां निगम के द्वारा दुकानें भी आवंटित की गई। लेकिन इस नवनिर्मित मछली बाजार में कारोबार करने वाले व्यापारियों पर संकट आ गया है। मछली कारोबारियों ने बताया कि उन्हें नवीन मछली बाजार में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक पहुंच के लोग आज भी खन्ना चौराहे में मछली की दुकान लगाते हैं, जिसके चलते ग्राहक झिरिया स्थित मछली बाजार खरीदारी करने नहीं आते, जिसके चलते उनका कारोबार चौपट हो गया है। दुकानदारों ने कहा कि अगर नगर निगम खन्ना चौराहे में संचालित मछली बाजार को बंद नहीं कराता तो स्थानांतरित होकर आए व्यापारी भी खन्ना चौराहे में अपनी दुकान खोलेंगे। कारोबारियों ने मांग की है कि पुराने मछली बाजार को बंद कराकर सभी को झिरिया शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें भी खन्ना चौराहे में जाने की अनुमति दे। आइए सुनाते हैं मछली कारोबारियों ने क्या मांग की है। जी मेरा नाम अकबर खान है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये भैया, पहले खन्ना चौराहे पे दुकान थी हम लोगों की, अब ये मछली मार्केट आ गया है। मछली मार्केट में सब लोग अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। 12 दुकान है यहाँ पे, 12 खुल रही है, 12 बंद है, 24 दुकानें हैं टोटल, 12 खुल रही हैं, 12 बंद है, जिसमें से और लोग जो नहीं आए हैं वो बाहर मछली बेच रहे हैं। इस कारण हम लोग की मछली बिक नहीं रही और जो मछली लेते हैं हम लोग वो ख़राब हो जाती है। हम लोग का कर्जा हो गया 1.5 लाख रुपया, तो हम लोग कहाँ से ला के देंगे? या तो काम हम लोग बंद करके वहाँ जाएँगे जहाँ पे थे हम लोग, वहाँ हम लोग को भेज दिए। खन्ना चौराहे पे थी जी, खन्ना चौराहे दे दिए। अब ये आपका मछली मार्केट, ये मछली मार्केट यहाँ आ गया है कनोडिया पेट्रोल टंकी के पीछे, झिरिया यहाँ पे आ गया। इसकी शिकायत नगर निगम में आपने की जी? 4-5 बार कर चुके हैं, पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 बार उनकी दुकान सील हुई है जी, वो बेचते हैं, इसके बाद वो फिर खोल के फिर बेच रहे हैं। अब आपकी समस्या, यहाँ ग्राहक नहीं है? यहाँ ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे भैया, वहीं पर मिल जाता तो क्यों आएंगे यहाँ पे? अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहीं मिल जाता है। छोटे लाल सोनी, किस तरह समस्या आपकी? समस्या ये बात की है कि नगर निगम ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग मछली मार्केट में शिफ्ट हो जाओ और हम लोग यहाँ की दुकानें सब बंद करवा देंगे, सबको वहीं भेजेंगे। अब नगर निगम के पास मतलब इतना समय नहीं है कि जो दुकान वहाँ से नहीं आ पा रही हैं उनको यहाँ ले आके शिफ्ट करें, ताकि हम लोगों का धंधा चले। रीवा में कहीं अतिक्रमण रहता है, ठेला लगता है, गोमती लगती है, उसको तोड़वाने के लिए नगर निगम के पास जा समय रहता है। 2 दुकानदार मछली मार्केट को ख़राब किए हैं, 2 दुकान को नहीं बंद करवा पा रही है, एक वेंकट टाकीज के पास, एक सम्राट होटल के पास, इनको दुकान नहीं बंद कर पा रही है। अभी भी हम चल रही है, अभी भी मछली बिक रही है। नगर निगम शिकायत की थी अधिकारी? नगर निगम के पास एक बार नहीं 20 बार जाके हाथ गोड़ जोड़ लिए, शिकायत किए, लिखित में शिकायत दिए, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ ग्राहक नहीं मिले, हम लोग की समस्या, मछली सड़ रही है, हम लोगों की मछली फेंकना पड़ जाता है, कर्जा मूड़ में चढ़ रहा है। अगर अब जहाँ पर हम लोग पहले थे वहीं पर जाके फिर बैठेंगे सड़क में, ताकि नगर निगम के अधिकारी लोग जब देखेंगे कि सड़क में मछली बिकने लगी, मीडिया फिर निकालेगी कि सड़क में बिक रही है, 1 करोड़ की मार्केट बनी हुई है, फालतू में पड़ी रही है, तो जब बंद करवाएंगे वो? ऐसे नहीं बंद करवा पाएंगे कि हम लोग बार बार जाते हैं उनके पास, विनती करते हैं, वो नहीं बंद करवा पाएंगे। अरे अभी समय है ठंडी का सीज़न हम लोग को कमाने का, बरसात में तो लाखों रुपये का घाटा खा चुके हैं, अब ठंडी में भी खा जाएंगे तो फिर कहीं के ना रहेंगे। किराए से पैसे से कोई है ही नहीं है।